मत दीजिएगा ऐसा कोई घृणित वचन। चुप रहिए आप। चार दिन कुंवर प्रताप के साथ क्या घूम कर आए, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं राम सिंह जी। आपके भाई धर्म की बोली बोल रहे हैं। खम्मा घड़ी जिया जी। घड़ी खम्मा रायमल जी, कहिए क्या बात है? जिया जी, लगता है इस महल में तो परंपरा ही नहीं अपने बड़ों से विचार विमर्श करने की। हमारे यहां तो हर महत्वपूर्ण निर्णय बड़ों से विचार विमर्श, उनका आशीर्वाद लेके किया जाता था। देखिए रायमल जी, हमारे पास सांसें बहुत कम बची हैं, इसलिए जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। अब आप ही बताइए जीजा जी, अकबर फूलकंवर को विवाह का प्रस्ताव भेजता है, फूलकंवर के पिताश्री प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, दोनों पक्ष प्रसन्न। अब इसमें अप्रसन्न अगर कोई है वे है हमारे कुंवर प्रताप। लेकिन ये तो अप्रसन्न होने वाली बात है, फूल कंवर राजपूतों की बेटी है। चलिए जीजा जी, मान लिया आपकी बात, मान लिया कि ये संधि ये संबंध अच्छा नहीं है, पर ये हमारा सोचना है। हम मारवाड़ तो नहीं जा रहे ना मारवाड़ नरेश पर अपना विचार थोपने के लिए, किंतु वे तो निकल पड़े हैं। कौन निकल पड़े? कुंवर प्रताप। हुआ क्या है हम बताते हैं आपको जीजा जी। कमलावती को जब से बचाया है ना इन्होंने, इस संसार की सब नारियों का संरक्षक समझने लग गए अपने आप को। वे होते कौन हैं? बिना बुलाए अकबर और मारवाड़ नरेश के बीच में पड़ने वाले? अगर वहां जाना ही था कम से कम आपसे तो पूछ लिया होता, आपसे तो विचार विमर्श कर लिया होता। बिना हमसे मंत्रणा किए कुंवर प्रताप मारवाड़ कैसे चले गए? यदि अकबर और मारवाड़ मिलकर उन पे टूट पड़े तो अनर्थ हो जाएगा रायमल जी, अनर्थ हो जाएगा। और अनर्थ हो जाएगा जीजा जी, इन छोटी छोटी सफलताओं ने बेलगाम बना दिया है कुंवर प्रताप को। अरे बिना आपसे पूछे तासे कैसे, मतलब दादा भाई रायमल। प्रताप आप? मारवाड़ में आपका स्वागत है कुंवर प्रताप। खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा। आप यहाँ? बोल। हम आपकी सहायता करेंगे, हम समझाएंगे आपके काको साको। दादा भाई, आपको अकबर का यह प्रस्ताव ठुकराना ही पड़ेगा। चुप रहे हैं आप। आगरा में जाकर आपने जो कार्य किया है ना, उसी का भुगतान भुगत रहे हैं हम। परंतु हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे संपूर्ण राजपुताने में हमको शर्म से अपना सर नीचे झुकाना पड़े। घुसते क्या हैं आप अपने आप को? क्या आवश्यकता थी आगरा में चोरों की तरह घुसने की? सारी राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ कर भारतवर्ष के शहंशाह अकबर के दुर्ग में घुसने की और वहां जाकर जान माल की हानि करने की, उसके बंदीगृह में घुसकर उसके बंदी का जबरन अपहरण करने की। आपने जो जो बीज बोए ना उसी का फल भुगत रहे हैं हम। कम से कम अब तो हमें कोई सलामत दीजिए। राम सिंह जी, यदि आपने उस मुगल के दबाव में आकर निर्णय लिया तो हम आपसे इतना कह देते हैं कि वो ना ही मारवाड़ के लिए सम्मानजनक होगा और ना ही फूलकंवर के लिए।
उस मुगल से हाथ मिलाना अर्थात उसकी दास्ता को स्वीकार करना होगा। देखिए, हम उस मुगल पर कदापि विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो आपसे फूलकंवर मांग रहा है, कल वो आपसे आपकी बची कुची स्वतंत्रता मांगेगा, फिर आपका ये महल, आपकी रियासत। राम सिंह जी, उस मुगल के लालच की कोई सीमा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंवर प्रताप, आपने भी अकबर के सामने अपना चित्तौर गवाया है। किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आपने उदयपुर खड़ा कर लिया। ना तो हम में इतनी बड़ी हार सहने की क्षमता है, ना ही सब कुछ गंवाने के बाद आपकी तरह नया बना लेने की इच्छा शक्ति। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि अनावश्यक ही हमारी इस संवेदनशील स्थिति को राजपूती आन का प्रश्न बनाने का प्रयास ना करें। ये मारवाड़ की सुरक्षा के लिए हमारा निर्णय। दादा भाई राइमल, क्यों कान भरते रहते हैं राणा जी? धीर भाई जी, इस समय दोष राइमल जी का नहीं है, कुंवर प्रताप ने काम ही ऐसा किया है। जी, कुंवर प्रताप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनी है। आपको बताना भी चाहते थे वे, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप विश्राम कर रहे हैं। तो बहना, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते, कौन सा आज ही विवाह हो रहा है फूलकंवर का? ठीक कह रहे हैं रायमल जी। राणा जी, दादा भाई रायमल के सबके बारे में अपने विचार हैं, अपनी धारणाएं हैं, इनकी बातों पर ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। भरोसा रखे कुंवर प्रताप, वे कोई भूल नहीं कर सकते। हीर भाई जी, इन संकट भरी संवेदनशील अस्थायी राजनीतिक परिस्थितियों में राजधर्म निजी आवेगों और भरोसों पर नहीं किया जा सकता। क्षमा करें जीजा, आपने आने में कर दिया थोड़ा सा विलंब, तब तक हमने कर लिया अपना काम। ये कैसी सुरक्षा दादा भाई, जिसमें हमारे मारवाड़ का अपमान है, जिसमें हमारी फूल के लिए अकबर का दम घोटू पिंजरा है। अपने राज्य और अपनी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ठीक है, ये निर्णय हम फूल पर छोड़ते हैं। क्या फूल तैयार है, यार है, इस अपमानजनक संबंध के लिए? क्या वो अकबर को जीवन भर के लिए अपना पति स्वीकार कर पाएगी? क्या जीवन भर छटपटाती नहीं रह जाएगी इनकी आत्मा? बोलो फूल, बोलो बोलो, चुप क्यों हो, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखा दादा भाई, कोई उत्तर नहीं था उनके पास हमारे प्रश्नों का, निरुत्तर चुपचाप यहां से चली गई वो। दादा भाई, उनका मौन रहना ही उनका ना है। चंद्रसेन, संभवतः आप भूल रहे हैं कि विवाह के प्रश्न पर हमारे यहाँ की संस्कारी लड़कियां चुप रहकर ही सहमति देती हैं। चूड़ियां लाकर दो हमें, सुहाग की चूड़ियों के बिना अधूरा है सुहाग का शक्ल। उफ़,
बेहद अफसोस, अभी पेट में है ना शहंशाह का वारिस, और आप जुट गई अपनी सौतन के लिए सुहाग का जोड़ा सजाने में। बेगम, हमने कहा था ना आपसे, ज्यादा उड़िए मत, यहां कभी भी किसी के भी जल सकते हैं पर। इंसान को उड़ने के लिए परों की नहीं, सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, जो दुर्भाग्य से आपके पास नहीं है। तब हम कर क्या सकते हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शहंशाह निकलने वाले हैं नागौर के लिए। मौलवी जी ने इसी जुम्मे को तय किया है उनका निकाह। अकबर के साथ फूल कंवर के विवाह वाली शहंशाह अकबर की मारवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध संधि। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी से लगने लगी, इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके आपके और आप हमारी। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। अरे अरे, वर और वधू ये दोनों हैं। आपको हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैसे अच्छा लगा आपको चिंतित देख। हमें आपसे कुछ कहना है। आप हमसे जो भी कहना चाहती हैं वो आप लड़ते लड़ते कहें, आपको सुविधा हो। चलिए ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो हम मान जाएं। हमारा निमंत्रण ना ठुकराने के लिए आपका धन्यवाद। अरे अरे, आप मारवाड़ की राजकुमारी, आपका आदेश सर आंखों पर राजकुमारी जी। भाई साहब, सिर्फ 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 संबंध पक्का समझ फूल। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फूल, हम जानते हैं कि आपके हमारे बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और आपके निजी व्यक्तिगत मामलों में विशेषकर इस विवाह जैसे विषय पर भी कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। हम यह भी जानते हैं कि आप उस मुगल के प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने जीवन को नरक नहीं बनाना चाहेंगे। इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि आप किसी के भी बारे में अपनी राय सरलता से नहीं बदलती है। संभवतः उस मुगल के बारे में जो आपकी राय है वो वही राय होगी जो किसी देशभक्त की होनी चाहिए। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जो भी निर्णय लें किसी भी भावनात्मक दबाव में आकर ना लें, क्योंकि निर्णय तो आप ही का होगा। हमने सुना है एक बेटा है आपका। जी, अमर सिंह है उनका नाम। अजब दे अक्सर आपकी कहानियां बहुत सुनाती है उन्हें। अजब दे सुनाती है या आप? बहुत सुंदर है वे, ठीक अपनी माँ की तरह। हम अभी थोड़ा और सोचेंगे और जब निर्णय तक पहुंचेंगे हम आपको अपना निर्णय अवश्य बताएंगे। फूल, भली भांति जानते हैं कि आपके मन ने निर्णय ले लिया है, बस आपका मस्तिष्क
उसका निर्णय लेना बाकी रह गया है। आप हर बार कितनी सरलता से पढ़ लेते हैं हमारा मन। बस यही पड़ाव लगाए जाएं और मान से पैगाम भिजवा दो मारवाड़ के सभी लोगों को, और हाँ जग उनका सारा सामान भी भिजवा दो। जी शहंशाह। विवाह का जोड़ा भिजवाया है अकबर शहंशाह ने। जानते हैं हम। ये सब क्या है दाची राज? आप भली भांति जानती हैं ये क्या है। आया आपके विवाह का जोड़ा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा भेजा गया विवाह का जोड़ा। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सब के लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। देखिए ना कितनी जल्दी पहुंच गया ये विवाह का जोड़ा। मतलब हमारी हाँ पहुंचने से पहले तैयार था ये। मतलब है ही नहीं कोई विकल्प हमारे पास। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकबर को। अंतर पड़ेगा तो मारवाड़ को, मारवाड़ के अस्तित्व को जलाकर राख कर देगा अकबर मारवाड़ को। वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हम हैं आपके दाजी राज, पर हम मारवाड़ के एक विवश राजा पहले हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारी बात, बचा लीजिए मारवाड़ को। मत कीजिए ना दाजी राजा साहब, हमें तनिक सोचने तो दीजिए। सोचने दें हम आपको? आपको लगता है कोई विकल्प हमारे पास? आपके पास ये विवाह का प्रस्ताव नहीं फरमान है। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फरमान। फरमान किसका है इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है दाची राज। हमने कहा है हमें समय चाहिए सोचने के लिए, तो बस चाहिए हमें समय। आत्महत्या करने से पहले हम सोचे मिले। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारी बात, बचा लीजिए मारवाड़ को। हे भगवान, कैसे बताएं हम अपने दाजी राज को अपना निर्णय? कैसे बोले उनसे ऐसी बात जिससे उनके हाथ में सम्मान को ठेस न लगे? भाई साहब, राजा जी क्या हुआ उनको? बोलो क्या हुआ हमारे दाजी राज को, बोलो। वो दरबार में हम कह रहे हैं ना? नहीं हुकुम नहीं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। मत दीजिए ऐसा पाप करने वाला आदेश, मत दीजिए। हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन। ने कहा काट दीजिए हमारी गर्दन। दाजीराज ये क्या कर रहे हैं? वही 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 जो यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। मुगल के हाथों लज्जित होकर टूटकर गर्दन कटवाने से वाणी है कि हम अपने सेनापति की अपनी गर्दन कटवा लें। तलवार मयान में रखो। दाजी राज आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फूल
क्या आपने अपना निर्णय बदल दिया? आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करें। अब बाहर बाहर For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.